हैं, अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है, क्यों साहब बताओ? ठाकुर साहब तुम्हारे साथ हैं, पांडे साहब तुम्हारे साथ हैं, यादव जी तुम्हारे साथ हैं, पटेल जी तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे क्षेत्र में गुजर बोलते हैं, जाट हमारे साथ है, क्यों? क्योंकि साथियों, कुछ लोगों को आदमी के जाने के बाद उसकी कीमत का पता चलता है कि वो तो हमारे लिए काम कर रहा था। तो सम्मानित साथियों, इसीलिए हमने कांशीराम विचार यात्रा नाम रखा, बहुत जी नाम रखा कांशीराम विचार यात्रा, कि साहब कांशीराम का नाम खत्म नहीं होना चाहिए और उसका सीधा का सीधा फायदा बहुजन समाज पार्टी को होना चाहिए। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको लोग बताएंगे, बताई, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब से हम आपके सीता ये लखीमपुर के अंदर हम लोगों ने प्रवेश किया है, हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से घूमते हुए आए हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, हम जब से यहाँ पे घूमे, जब से यहाँ पर हम लोग हमने प्रवेश किया है, इतना अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है आपके चेहरे को देख करके, आपको, आप लोगों को देख करके ऐसा आभास हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हम ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी हम लोग जिता करके लाएंगे, बसपा की सरकार बनाएंगे, लेकिन जब से आपके एरिया में आए हैं तब से ऐसा लगता है कि भाजपा की 40-50 सीट से ज्यादा ऊपर भाजपा जाने वाली नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी जो है वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और इस बात को मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि भाजपा से सभी लोग परेशान है, क्यों जी बेटा? अब बच्चों शांत, बेटा बच्चों आप तो शांत रहो, क्यों सा? भाजपा से सभी लोग परेशान है। अरे जो ब्राह्मण, जिन ब्राह्मणों ने कूद कूद करके भाजपा की सरकार बनाई, सबसे देखा, सबको देखा, उसके बाद में सोचा चलो सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया, तो कूद कूद करके जिन ब्राह्मणों ने भाजपा की सरकार बनाई, और जिस भाजपा के शासन काल में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, तो कोई दूसरा सुरक्षित कैसे रह सकता है? इस बात को आप समझ सकते हैं। 6,000 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, मैं नहीं कहता, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कहती है, सभी बिरादरी के लोग की हत्या हुई। तो सम्मानित साथियों, आज की डेट में सभी लोग भाजपा से परेशान हैं, और जो भी भाजपा को छोड़ेगा वो समाजवादी पार्टी में जाने वाला नहीं है, क्यों जी बताओ? क्यों? क्योंकि वो तो कानून बना करके जमीन छीन रहे हैं। भाजपा के लोग लोगों की जमीन कानून बना के छीन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग तो बिना कानून के छीन लेते हैं। तो इसलिए सोच रहे हैं कि भैया अगर बचना है तो केवल बहन कुमारी मायावती जी का शासन बचा सकता है, और किसी का शासन नहीं बचा सकता। इसलिए सारे लोग निकलेंगे, देखो भी कल परसों फिर किसान मार दिए, फिर किसान मार दिए। तो साथियों, जिनकी जमीनी जमीन छीनी जाएगी, और किसान लोग के लिए माँ होती है जमीन, माँ किसान के लिए नहीं पूरे देश के लिए होती है, और जिसकी माँ के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, उसको छीनेगा, तो किसान वर्ग उसे कभी माफ नहीं करेगा। और यहाँ पे कांग्रेस का कुछ है नहीं, सपा के साथ लोग जाना नहीं चाहेंगे। और साथियों, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल थोड़ा लेट मिलता है, सर जी करुण गो साहब, अच्छे कर्मों का फल लेट मिलता है और बुरे कर्म का जल्दी मिल जाता है। समाजवादी पार्टी ने जो कुकर्म करे हैं उसका फल उसको अब मिला है, और बीएसपी जो अच्छे कर्म करे हैं वो अब जाके मिल पाया है। तो इसलिए सब लोग भाजपा छोड़ेंगे, बहुत बड़ी विषम परिस्थिति में देश फंसा हुआ है, एजुकेशन पूरी ठप कर दी, स्कूल सारे के सारे बंद कर दिए। तो इसलिए भाजपा की बुराई गिनाए कोई फायदा नहीं है, बसपा की खासियत बताएं तब भी कोई फायदा नहीं है। केवल माननीय बहन जी का एक संदेश है, उसको बता के मैं आपके बीच में खत्म करता हूं। बहन जी ने कहा है कि जाकर के लोगों को समझाना कि आज की डेट में चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी बिरादरी नहीं है जो बीएसपी को वोट ना डाल रही हो, थोड़े मात्रा में चाहे ज्यादा मात्रा में हर एक बिरादरी बीएसपी को वोट डाल रही है। लगभग 44% वोट बीएसपी को मिल रहा है, क्यों? इस समय भाजपा के पास में 40% वोट है,
और सपा बसपा पे 22-22 जस्ट डबल हो रहा है बसपा का, 44% वोट मिल रहा है, लगभग 350 सीट बीएसपी जीत रही है, उसके आसपास ऊपर नीचे हम सेट कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी और जो जो पार्टियां उनके पास, मुस्लिम समाज जो हमारा माना जाता है थोड़ा बहुत वोट देता है, वो भी माहौल को देख करके समाजवादी पार्टी को वोट ना दे करके अपना 80% वोट बीएसपी को डाल रहा है, ये आंकड़ों का कहना है सम्मानित साथी। तो माननीय बहन जी ने कहा है इस 44% वोट को तोड़ने के उद्देश्य से, क्योंकि कहां से आ रहा है, ये भाजपा से आ रहा है, और आ रहा है तो इसको बीच में रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली से उतारा जा रहा है सर जी, जिससे कि वोट बीच में रुक जाए, भाजपा से वोट ट्रांसफर होकर के बसपा में जा रहा है, इसलिए इस वोट को बीच में रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से यहां पर लाया जा रहा है। तो हर एक आदमी चाहता है उनकी सरकार बने, लेकिन माननीय बहन जी ने कहा है कि हम पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हमारा गठबंधन तो जनता के साथ होगा, सभी समाज के साथ होगा। इसलिए सम्मानित साथियों माननीय बहन जी ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल आकर के ये कहे कि हमारी सरकार बनाओ हम तुमको डाटा फ्री दे देंगे, उन्हें डाटा फ्री देता ना दिल्ली में, हम तुम्हारे बच्चों को डाटा फ्री दे देंगे, तो किसी के डाटे के चक्कर में मत पड़ना। और जो उधर जो बोलती है ममता बनर्जी कि हम तुम्हें आटा फ्री दे देंगे, छत्तीसगढ़ में बोलते हैं चावल फ्री दे देंगे, मुख्यमंत्री ये बोलते थे अखिलेश यादव जी कि हम तुम्हें लैपटॉप फ्री दे देंगे, और ये बाबा कहता है कि हम तुम्हें शौचालय फ्री दे देंगे, लेकिन माननीय बहन जी ने कहा है कि जाके लोगों को समझाओ, गांव गांव में जाके लोगों को समझाओ कि हम तुमको ऐसी कोई चीज नहीं देंगे, हम ऐसी चीज देंगे जिससे तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको, तो हम तुमको शिक्षा फ्री देंगे, हम तुमको एजुकेशन देंगे, और हम तुमको रोजगार देंगे, और जब तुम्हारे घर के अंदर 60,000 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह आएगी तो अपने शौचालय भी खुद बनवा लेना, अपना लैपटॉप भी खुद खरीद लेना, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों परिस्थितियां बड़ी अनुकूल हैं, बहुत पक्ष में है, और आप लोग इस एरिया में घूमने से तो वास्तव में लगता है, क्योंकि मैं तो एमए मैंने साइकोलॉजी से किया है, संविधान से पीएचडी किया है, मैं तो दिमाग का ऊपर से मैं इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ, इसी समाज में पला बड़ा हूँ, चेहरा देख करके रहन सहन देख करके काफी हद तक मैं महसूस कर लेता हूँ कि किस समाज से लोग ताल्लुकात रखते होंगे। तो मैं देखता हूँ रोड, मेन रोड पे भी निकलता हूँ, जहां मेन रोड से निकल रहा हूँ, तमाम ऐसा समाज है जो बहुत बड़ी मात्रा में हमारा समाज इधर रहता है। तो साथियों जिसके साथ में ये थोड़े बहुत और साथ थोड़ा हांगा लग जाए, थोड़ा सा साथ मिल जाए, तो आज की डेट में सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग जैसे ठाकुर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि सभी की उम्मीद है कि अब देश को कौन बचा पाएगा। और आप लोगों ने साथियों जो लोग ये सोचते हैं कि देश को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद करने का प्रयास बहुत बार किया है, लेकिन बचाने लेकिन मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। आर्य, हूण, कुषाण, मंगोल, फ्रांसीसी, जर्मनी, पुर्तगाली, मुगल, अंग्रेज, ये तमाम लोग आए, इस देश को बर्बाद करने का प्रयास किया। अब अडानी, अंबानी और ये जो है क्या नाम है इसका, अमित शाह, मोदी, ये चार लोग बर्बाद करने में लगे हैं। लेकिन साथियों हम लोगों को कहना होगा, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे, अरे तुम हमें क्या बर्बाद करोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। सरकार 100% बदल रही है और परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं। हमने ये कांशीराम विचार यात्रा तैयार करी है, इसको पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में लेकर के जाएंगे। आप अपनी विधानसभा को जिताएं, माहौल बनाएं, क्योंकि यहाँ पर केवल ये नहीं है कि आप लोग 200-400 लोग आप ही केवल इस मीटिंग को सुन रहे हैं, इसको और लोग भी सुनेंगे। और जो फोटो जो है ये आपका जो हमारा जो फोटो जो खिंच चुका है, इस समय पड़ भी गया होगा, कम से कम 5 करोड़ लोगों के पास ये अभी पहुंच जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। तो 5 करोड़ लोग देखेंगे इसको कि बीएसपी का काम चल रहा है, इससे मनोबल बढ़ेगा, अब मनोबल सबसे बड़ी चीज है। तो साथियों आप लोग इस विधानसभा को जिताएं, हम पूरे प्रदेश को जिताएंगे,
क्योंकि आप पूरे प्रदेश में काम नहीं कर सकते, हम एक विधानसभा में काम नहीं कर सकते। इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है कि टू विच आई कैन डू यू कैन नॉट एंड टू विच यू कैन डू आई कैन नॉट बट व्हेन वी आर टुगेदर वी कैन डू एवरीथिंग। जिसको मैं कर सकता हूँ उसे आप नहीं कर सकते, और जिसे आप कर सकते हो उसे मैं नहीं कर सकता, लेकिन दोनों एक साथ मिल जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप किस विधानसभा का जताओ, हम लोग 403 विधानसभा में माहौल तैयार करेंगे। और मान्य बहन जी जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर पांचवी बार बैठेगी तो सभी समाज खुशहाल रहेंगे, सबको रोजगार मिलेगा, और जो लोग बर्बाद करना चाहते हैं उनका ये मन से कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, और फिर ये देश बचेगा। अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ लगभग 10,000 PhD होल्डर प्रोफेसर है, देश में 10,000 PhD होल्डर प्रोफेसर हैं उनके पास में। हमने कहा चलो अधिकांश सभी बिरादरी के हैं, हमारी बिरादरी के तो 1-2% ही 2-4% है, बाकी तो वो अपने और समाज के जो है देश के अंदर। हमने कहा कि देखो जी ये अनपढ़ लोग, 8वीं 10वीं फेल पास लोग, ये स्मृति ईरानी कौन सी थी वो जो शिक्षा मंत्री मादी थी, 8वीं फेल, ये 9वीं फेल मोदी, ये 8वीं 9वीं फेल इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, और हम जैसे आप जैसे PhD होल्डर इस देश को बर्बाद हो जाने दे इनसे, तो हमारा PhD होल्डर होने का कोई औचित्य नहीं है। हम जगह जगह यूनिवर्सिटी में बैठ के बात करते हैं, मैं कहा भाई जातिवाद से थोड़ा ऊपर उठो, इतना पढ़ लिए कि इससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं होती, इससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं होती, तो इस बुद्धि का प्रयोग करो। तो सम्मानित साथियों, RS उन्होंने हमारा कमिटमेंट चल रही है, बातचीत चल रही है, उन्होंने बात कही है कि RSS के पास लगभग 5,000 PhD होल्डर हैं जो अपने दिमाग को इस बात के लिए लगाते हैं कि इन समाजों को कैसे बर्बाद किया जाए, इस देश को कैसे बर्बाद किया जाए। तो हमने कहा तो हम भी 5,000 PhD होल्डर इकट्ठा करेंगे और उनके दिमाग को प्रयोग करेंगे। एक तरफ RSS के 5,000 PhD होल्डर इस देश को बर्बाद करने के लिए काम करेंगे, तो दूसरी तरफ हमारे 5,000 PhD होल्डर इस देश को बचाने के लिए काम करेंगे। और मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, वो नहीं कर पाएंगे, काट तो हमको ऐसे करनी पड़ेगी, हम तलवार से नहीं लड़ सकते, विचार की लड़ाई है। विचार के सामने देखो, ये अभी ये कौन है, ये अफगानिस्तान में लफड़ा हुआ, वो सोच रहा है वो शासन कर लेगा, नहीं, जो व्यक्ति अपनी जनता अपनी प्रजा के दिलों में शासन नहीं कर सकता वो कभी भी शासन लंबे समय तक नहीं कर सकता सत्ता से। देख लो दूसरे वो आया, दूसरा संगठन आया, उसमें तो लफड़ा हो गया, ये लफड़ा तलवार के तब तलवार का मामला नहीं है। इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा कि आइडिया रूल द सोसाइटी नेवर इंडिविजुअल रूल द सोसाइटी, विचार शासन करता है, कभी इंसान कभी भी देश पे शासन नहीं करता, ये हिंदुत्व का विचार है हम लोगों का। और आज की डेट में तो सबको पता है कि राम नाम के मंदिर पर जो इन्होंने जो घोटाला किया था, चंदा इकट्ठा किया था, अरे जो उसके अंदर घोटाला कर गए चंदा के अंदर, वो कभी जिंदगी में राम का मंदिर नहीं बना सकते हैं। तो वहां से वो भी हट रहे हैं, बुद्धिजीवी भी हट रहा है, वैसे लोग भी हट रहे हैं, तो सभी हट रहे हैं। बहन जी का बहुत स्वर्ण मौका है, और अभी तक कोई भी 5 बार मुख्यमंत्री इस देश में पूरी दुनिया में नहीं बन पाया, मान्य बहन जी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के लिए जा रही है, ये भी आपके लिए गर्व की बात है। तो सभी समाज के लोग, अच्छा आपको लगता नहीं है कि सब समाज के लोग साथ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे। क्यों सर? बिल्कुल दे रहे। पहली वाली बात नहीं है, इनसे पूछो पत्थर मारते थे क्यों सर, हमें तो खैर नहीं मार पाए, क्योंकि जब मारने की स्थिति में थे हम छोटे थे, ये लोग काम करते थे, जब इन्होंने काम इतना ऊपर कर लिया हमें तो किसी ने नहीं मारा, लेकिन इस मोमेंट में काम करना कोई गुड्डे गुडिया का खेल नहीं होता था, बड़ा कठिन काम था, बहकते हुए अंगारों पे चलने के समान होता है जिस मोमेंट में काम करना, नंगी तलवारों पे नंगे पैरों से चलने के समान होता है, उल्टा पहाड़ पे नदी को उल्टा पहाड़ पे चढ़ा देने के समान होता है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप लोग तब भी आए, आज तो ब्राह्मण समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि भैया हमें कोई बचा सकता है तो केवल बहन कुमारी मायावती बचा सकती है, जो सबसे ज्यादा भाजपा को बुलवाते थे। तो सभी लोग बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, दिल कह देता है आदमी का, ये दिमाग बता देता है, बहुत अच्छा माहौल है। कोई ये सोचता हो कि भाई कैसे 350 सीट कैसे आ जाएंगी, तो
साहब कांशीराम के रहते हुए किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी, क्यों साहब? नहीं बनी। ये कहते थे भैया यूपी में तो मुश्किल है पूर्ण बहुमत की सरकार बननी। 206 विधायक जीत करके माननीय बहन जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, क्यों साहब? और अब इसके पास 325 है तो माननीय बहन जी ने कहा है कि इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 67 जीता। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, जीता लगभग 90-95% सीट जीत गया। जब वो 90-95% सीट जीत सकता है तो हम तो उससे ज्यादा मजबूत है, उससे ज्यादा काम करके दिखाया है, तो हम भी 90% सीट उत्तर प्रदेश में जीत सकते हैं। सभी लोग साथ हैं, इसलिए साथियों बहुत अच्छा माहौल है, अच्छी परिस्थितियां हैं। हम आपको अग्रिम बधाई देने के लिए हम लोग आपके बीच में आए। हमारा यहाँ पे आने का समय लगभग 12 बजे का था जो सुनने में आया, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग चले गए होंगे, फिर आप गांव में चले गए, फिर गांव के लोग आवाज सुन करके आए, इसीलिए हमने डीजे लगाया। क्योंकि तो माननीय साहब कांशीराम कहते थे कि जो आप बनना चाहते हो उसको पहले आपको अपने आप महसूस करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, आप कमजोर साबित मत करो, इसलिए हमने डीजे साथ रखा। रसोई हम लोग साथ रखते हैं, खाना बनाने की रसोई हमारी एक गाड़ी में साथ है, गाड़ी वो आने वाली है पूरी, ऐसे टाटा 407 हमारी पूरी, वो पूरी बुक वो है, उसमें सारा खाने का सामान है। क्यों? क्योंकि इनके समय में लोग आधे लोग भूखे सो जाते थे गांव में से रोटी मांग करके। हमने कहा कांशीराम साहब के समय लोग भूखे सोए वो मजबूरी थी, लेकिन कांशीराम विचार यात्रा में कोई भूखा नहीं सोएगा। इसलिए साथियों हमने डीजे साथ रखा, बढ़िया है, पूरे हम लोग पूरे शहर में घुसते हैं, डीजे बजता है, दुकानदार देखते हैं, हम एक हाथ से कहते हैं कि बीएसपी को वोट डालना, वो दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया भाजपा से तुम ही बता सकते हो, हमको हम तो कोई नहीं बता सकते। बहुत अच्छा माहौल, इससे लोग सुन के बाहर आते हैं और हम लोग रोड पे खड़े होकर के मीटिंग हम रोड पे होकर बोलते हैं, इसलिए साथियों बहुत अच्छा माहौल है। और भी बहुत से साथी आपको एक एक मिनट में अपनी बात रखेंगे, आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, आप लोगों में से कोई अपनी बात रखना चाहता हो वो रख सकते हैं, क्योंकि ये गेट टुगेदर का मामला है, ये कोई नेता का या वैसा कोई मामला नहीं है, हम भी आप हैं आप भी हमें, तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, आखिर में माननीय बहन जी के लिए कहना चाहते हैं कि निशाने नाम को बदनाम नहीं होने देंगे, बहुत हो गए हैं जुल्म, अब और नहीं होने देंगे। ए बहन कुमारी मायावती जी, तुम्हारे पाक चरणों की कसम, तुम्हारे दामन को आंच आने नहीं देंगे। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा, नमो बुद्धाय, खुदाफिज, धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।